हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, क्लास 11। और ये क्वेश्चन मैंने लिया है टीएस लेवल 24 25 एडिशन से। आपको क्वेश्चन मिलेगा पेज नंबर 17.41 पर। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सबसे पहले क्या बोला है, देखो, पास द जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। फर्स्ट एरर इज क्रेडिट सेल ऑफ ₹5,700 टू मोहन वॉज रिकॉर्डेड, रिकॉर्डिंग की एरर है, एज ₹7,500। हमने क्या किया, क्रेडिट सेल करी मोहन को, सेल करी हमने 5700 की, बट रिकॉर्ड कर दी हमने 7500, मतलब हमने एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग कर दी है ₹1,800 के अमाउंट की। तो हम क्या करें, सेल अकाउंट को वापस डेबिट कर देते हैं, सेल्स अकाउंट डेबिट, और मोहन को हमने एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया था, मोहन को कर देते हैं क्रेडिट। तो टू मोहन अकाउंट ₹1,800, ये रेक्टिफिकेशन हो गया। हमने जो एक्स्ट्रा एंट्री पास करी थी उसको हमने वापस से रेक्टिफाई कर दी, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। ये हमारी फर्स्ट एरर रेक्टिफाई कर दी हमने। नेक्स्ट देखते हैं, अ क्रेडिट सेल ऑफ 8,500 टू सोहन वाज रिकॉर्डेड एज सेल टू मोहन। देखो, सेल तो सही रिकॉर्ड हुई है, बस सिर्फ हमने क्या किया, हमने सोहन को डेबिट करना था क्योंकि हमने सोहन को बेचा था माल, हमने उसकी जगह किसको डेबिट कर दिया, मोहन को। तो हम क्या करते हैं, देखो सेल अकाउंट एकदम सही है, सेल को क्रेडिट करना था, सेल क्रेडिट हुआ, सोहन की जगह मोहन डेबिट हो गया, तो मोहन को कर देते हैं क्रेडिट टू मोहन अकाउंट, और सोहन अकाउंट को कर देते हैं डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट 8,500 एंड 8,500, ये हो गया हमारा रेक्टिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट इज अ क्रेडिट सेल ऑफ 8,500 टू मीनू वॉज रिकॉर्डेड एज सेल टू मीना एज 5,800। देखो हमने क्या किया, इस एरर को इस तरह से समझते, हमने सेल करी थी मीनू को, हमें एंट्री करनी थी मीनू अकाउंट डेबिट 8,500 टू सेल्स अकाउंट 8,500, और हमने क्या किया, हमने एंट्री कर दी मीना अकाउंट डेबिट, मीना को डेबिट कर दिया, और वो भी कितने अमाउंट से, 8,500 की जगह 5,800 से टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स भी कम क्रेडिट किया, हमें सेल्स कितना क्रेडिट करना था, हमें सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था 8,500, और हमने कितना क्रेडिट किया 5,800, मतलब नियर अबाउट 8,500 माइनस 5,800, 2,700 कम क्रेडिट किया हमने। तो हम क्या करते हैं, सेल्स को पहले क्रेडिट कर देते हैं और सेल्स अकाउंट 2,700, ठीक है। हमें मीनू को डेबिट करना था, हमने नहीं किया, तो मीनू को हम डेबिट कर देते हैं, एंट्री करते हैं मीनू अकाउंट डेबिट 8,500, ठीक। और हमें, हमने मीना को डेबिट कर दिया था, हमें नहीं करना था इसे, तो अब हम मीना को वापस क्रेडिट कर देते हैं और लिखते हैं टू मीना अकाउंट 5,800। तो देखो अपने आप एंट्री मैच हो गई, ठीक है गाइस। तो ये तरीका है इस तरह से इस एंट्री को रेक्टिफाई करने का। अगर आपको एंट्री रेक्टिफाई करने में प्रॉब्लम आती है तो आप दोनों एंट्रीज लिख सकते हैं साथ में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्रेडिट सेल ऑफ 8,500 टू राम वॉज रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक। देखो हमने क्या किया, हमने सेल करी राम को, हमें एंट्री करनी थी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री करनी थी हमें 8,500 और 8,500, और हमने क्या किया, हमने सेल की जगह परचेज रिकॉर्ड कर दी, मतलब हमने इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो हमने एंट्री कर दी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, हमने राम को उल्टा क्रेडिट कर दिया 8,500 से। तो देखो हमने क्या क्या एरर्स करी, एक तो हमें राम को डेबिट करना था, हमने डेबिट नहीं किया, एक हमने उल्टा राम को क्रेडिट कर दिया, ये भी हमारी एरर। तो एक काम करते हैं, राम को दो बार डेबिट कर दो, सही हो जाएगा, एक बार तो डेबिट करना ही है, और एक जो हमने एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया उसको वापस डेबिट कर दें 17,000 से। सेल्स को हमें क्रेडिट करना था, हमने नहीं किया, अब हम सेल्स को क्रेडिट कर देते टू सेल्स अकाउंट 8,500, और परचेज को हमें डेबिट नहीं करना था, हमने कर दिया परचेज बुक में, तो परचेज अकाउंट को वापस क्रेडिट कर देते हम लोग 8,500 से। ये एरर हो गई हमारी रेक्टिफाइड। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन फॉर ₹1,700
वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 7100। हमने मशीनरी बेची बट हमने क्या किया उसको सेल्स मान लिया, ठीक है। हमने हमें क्या एंट्री करनी थी, देखो हमें एंट्री करनी थी सोहन अकाउंट डेबिट 1700 टू सेल्स, सॉरी टू मशीनरी, क्योंकि हमने मशीनरी बेची है तो हमें एंट्री करनी थी टू मशीनरी अकाउंट 1700। और हमने क्या किया, हमने इसको सेल मान लिया और वो भी ज्यादा अमाउंट से, तो हमने एंट्री क्या कर दी, हमने एंट्री कर दी सोहन अकाउंट डेबिट 7100 टू सेल्स अकाउंट 7100। हमने एक्स्ट्रा सेल्स मार दी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सेल्स को अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना था, तो सबसे पहले हम सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। सेल्स अकाउंट डेबिट 7100, मशीनरी को हमें क्रेडिट करना था, हमने नहीं किया, तो अब हम मशीनरी को क्रेडिट कर देते हैं। टू मशीनरी अकाउंट दैट इज 1700, मशीनरी को क्रेडिट कर दिया। अब हमें सोहन को एक्चुअल में डेबिट करना था 1700 से, बट हमने एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया, तो 7100 माइनस 1700 हम उसको वापस क्रेडिट कर देंगे 5400 से, तो टू सोहन अकाउंट 5400। ये एरर हो गया, रेक्टिफाइड, दिस इज रेक्टिफिकेशन एंट्री। सो गाइस आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, प्लीज वॉच द लेक्चर्स, प्लीज फॉलो माई चैनल, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।